बातचीत करते हैं क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में. या व्हाट यू वांट टू से, यू कैन से ओला सिली ड्रामा. Yeah, it's a very important issue. Okay, guys. Say. So today I was solving my Rubik's cube. Yeah, I'm impressed of myself because yesterday I just solved the Rubik's cube. And you know, when I was minding my business of solving a Rubik's cube, it just broke. And let me show you which piece broke. I'm not gonna pull it. So guys, you see this piece? The red, blue, and white were. Block. It broke. So we got 3 brand new Rubik's cubes. 1 2x2 Rubik's cube and 1 3x3 Rubik's cube and 1 3x3 pyramid Rubik's cube. So that's why I don't need a Rubik's cube. I'm just kidding. I still want it. Just to put it in my collection. Because yeah. Blah blah blah. So are you done? So guys. So this is the bad news, and I got some really funny news. Yeah, you're pretty impressed. Are you impressed of me solving a Rubik's cube? Put comment down in the comment section. Okay, now. ओके सो मैंने सोचा है कि लाइफ अपडेट वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. अगर आप मुझे देखते हैं, मेरे यूट्यूब की लास्ट वीडियो देखी है, मैंने मेरा नया घर आपके साथ शेयर किया है. सो यार रिसेंटली हमने हमारा घर मूव किया है, हमने शहर भी चेंज किया है, एक्चुअली प्रोविंस भी चेंज किया है. हम पहले ओंटारियो टोरंटो में रहते थे GTA में, एंड अब हमने मूव कर लिया है कैलगरी अल्बर्टा में. एंड हमने मूव किया है, पूरा एक महीना हो चुका है. आज एक्चुअल में एक महीना हो गया है. हम यहाँ पे आए थे 29th को एंड आज 29th जून है, हम आए थे मई में. सो एक महीना हो चुका है और मैंने वीडियो शूट नहीं किया. पहले मैंने वीडियो शूट की थी मूव करते समय, पैक करते समय, एंड थोड़ा सा रास्ते में भी मैंने शूट किया था. एंड इस घर में मैंने पैक करने की कोशिश की, मैंने शूट करने की बहुत ज़्यादा नहीं है पर या थोड़ा बहुत किया है. उसको अपलोड करने से पहले मैंने सोचा कि आपसे बातचीत करते हैं एंड देन मैं उसको अपलोड करूँगी. आज मैंने मेरे बालों को धोया ना, तो थोड़े मैंने सेट भी नहीं किए, थोड़ा उलझ पे हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान मत देना. सो हुआ यूँ कि जब हम मूव कर रहे थे 29th वाले दिन हमें बहुत ही बुरी खबर मिली. हमारे फेवरेट सिंगर की डेथ होगी बहुत बुरे तरीके से. और मुझे नहीं लगता था कि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी. मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी. अभी तक भी हम जब वो चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर से दिल में बहुत पेन होता है. और सिद्धू मूसेवाले की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको नहीं पता है तो. क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वही सिंगर था पिछले कितने सालों से. 2017 में पहला गाना आया था उसका, जब से मैंने वो सुना है उसके बाद मैंने किसी और को सुना नहीं है. और अब मैं जब कुछ भी करती हूँ उसके बिना मैं क्या टाइप करूँ, किसका गाना सुनूं, क्योंकि उसका गाना सुन के तो बहुत पेन होती है मेरे दिल में. और मेरा दिल नहीं करता है मैं किसी और को सुनूं. और उसकी डेथ ने इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है मेरे दिल पे, दिमाग पे, कि ऐसे लग रहा है कि कोई फैमिली का बंदा चला गया. एक महीना हो गया है एंड बहुत ही पेन में रहे मैं और मेरे पति. अब थोड़ा बेटर हो रहे हैं. सो इसी वजह से मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई एंड मन ही नहीं किया मेरा. अब उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बंदा, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, हम्बल, डाउन टू अर्थ. सो या उसकी वजह से आई डिडंट अपलोड एनीथिंग, आई डिडंट शूट एनीथिंग. सो यू नो इंस्टाग्राम पे जब मैं कोई स्टोरी अपलोड करती हूँ तो मैं लाइक डालती हूँ ना कैलगरी, तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि तुम कैलगरी में हो, क्योंकि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया तो किस क्योंकि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया ना, तो बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं कि हम कैलगरी में हैं. यस हम कैलगरी में हैं, ये हमारा जो नया घर है कैलगरी में है. मैं बहुत सारी वीडियो शूट करूँगी, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं. बहुत सारी मेकअप वीडियोज़ में मैं दोबारा से शूट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको मेरी मेकअप वीडियोज़ अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है कुछ भी क्रिएटिव करना, यू नो, मेकअप, पेंटिंग, आर्ट या कुछ भी डिज़ाइन करना. सो बहुत सारी चीज़ों का प्लान बना के रखा है मैंने, पर दिल ना थोड़ा मज़ेदार नहीं अभी भी, पर यह पहले से बहुत बेटर है. मैं बात तो कर पा रही हूँ, पहले तो मैं गल भी नहीं कर पा रही थी. और
या बहुत प्रॉब्लम में थे. सो या ये लाइफ अपडेट है कि हम हमारे नए घर में आ चुके हैं एंड नए घर को अभी तक मैंने फिनिश नहीं किया है और मैंने पता नहीं कितना समय लगेगा सेट करने के लिए. पर या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं धीरे धीरे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, पर मैंने पूरा महीना लगा अपना ये ऑफिस वाला रूम सेट करने के लिए. अभी यहाँ के लिए फर्नीचर मिसिंग है. पर या जो जो चीज़ें मैंने कुछ खरीदी हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में. और अगर आप मेरे से कोई ख़ास वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बार में छोड़ना, मैं ज़रूर से आपके लिए शूट करूँगी. एंड या फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में यही चल रहा है. एंड ऑल्सो कैलगरी हमें कैसा लग रहा है? कैलगरी सो फार पता नहीं, क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा दुखी एंड परेशान थे. हमें लगा कि कैलगरी बहुत ज़्यादा बेकार है, पर धीरे धीरे बेटर हो रहा है क्योंकि मुझे बाहर से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. क्योंकि आप जानते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैनू कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कैसी दुनिया है, कैसा माहौल है, क्योंकि मैं तो अंदर ही रहती हूँ. सो मैं कहीं पे उजाड़ में भी मैनेज कर सकती हूँ. सो यार ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कोशिश है कि बैक टू ट्रैक आ जाए. उसकी मौत को सहना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, पर एक्चुअल में क्या होता है, ये जब भी कोई इंसिडेंट या कुछ भी इधर ही घटना होती है तो रब का कोई ना कोई प्लान तो होता ही है. आई विश कि कुछ ऐसा हो कि रिवर्स हो जाए पूरी ज़िंदगी एंड ऐसा हो जाए कि हम इस इंसिडेंट को भूल जाएं और सारा कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए और सिद्धू वापस आ जाए. हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि अगर रब ऑप्शन दे कि अपनी ज़िंदगी में से कुछ कुछ साल दे दो, मैं उसे दोबारा ज़िंदा कर दूँ, मैं क्या मेरी ज़िंदगी के 15-20 साल ले ले पर उसे मिल जाए. सो या पर ऐसा होता नहीं है, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं कि वो तो पक्का बहुत अच्छी जगह पे होगा. जितना उसे दुनिया प्यार करती है, जितना उसके लिए दुनिया रोई, ओ माय गॉड, मैंने नहीं लगता कि वो पूरी जगह पे होगा, बहुत अच्छी जगह पे होगा वो. और यार अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सारी दुनिया इतना रो रही, इतना लव करती उसको, तो उससे अच्छी जगह क्यों नहीं नसीब हुई होगी? वो बहुत मज़े वाली जगह पे होगा. सबसे ज़्यादा हमें बुरा लग रहा है उसकी मम्मी डैडी के लिए कि वो अपने मम्मी डैडी का एक ही बच्चा था. आई विश कि उसकी शादी हुई होती, उसका कोई बच्चा होता, ताकि उसके बच्चे को देख के उसकी मम्मी डैडी ज़िंदा रह लेते, क्योंकि वो उनको अपने अपने पोते पोती में दिखता है ना. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर ऐसा कुछ नहीं है. सो उसके लिए मैंने बहुत 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 सैड लगता है. विश कि सारा कुछ रब शक्ति दे इस इंसिडेंट को मरने की, क्योंकि वैसे पेरेंट्स के लिए नहीं मुश्किल जब तक, पेरेंट्स के लिए नहीं आसान जब तक पेरेंट्स जिंदा है, वो इस पेन में ही रहेंगे. आई डोंट नो क्या कर्मा है उनका कि उनको इतना ज़्यादा दर्द देखना पड़ रहा है, क्योंकि यू नो दुनिया में सब तो ज़्यादा बड़ा दुख है ये. अगर आप पेरेंट हैं तो आप जानते होंगे कि जब आपका बच्चा बीमार होता है तब भी आप सह नहीं पाते हैं उसको बीमारी में देख के. मैंने तो ऐसा होता है जब हिम्मत बीमार है ना कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, मैनू मिल जाए, क्योंकि उसको पेन में नहीं मैं देख सकती हूँ. कितना अजीब लगता है मुझे कि यार पता नहीं कितना कैसे उसको लाइक कोल्ड है, कफ है, इससे अच्छा है कि मुझे हो जाए पर ये ठीक रहे. सो डेथ को सहना लाइक पॉसिबल ही नहीं है. हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं. एंड या दैट्स इट. आई डोंट नो और क्या बताना चाहती हूँ, मैं डन हूँ. एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो थैंक यू वेरी मच. एंड दैट्स इट. मैं आपको नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों. एंड सिद्धू के मम्मी डैडी के लिए ज़रूर से प्रेयर करना, उसे अपनी प्रेयर में याद रखना कि भगवान रब अल्लाह उनको शक्ति दे ताकि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से निकाल पाए. इन दोनों इकट्ठे रहें, मैंने तो ये बहुत डर लग रहा है कि एक पेरेंट को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे रहेंगे तो थोड़ा पेन यू नो शेयर कर सकते हैं. अगर एक पेरेंट नु कुछ हो गया दूजा किधर होगा, वेरी पेनफुल. सो दोनों इकट्ठे रहन एंड आई डोंट नो. सो या दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही. मुझे लगता है मैं जो भी बताना चाहती थी बता दिया है, पर मैंने लगता कई चीज़ें मैं भूल जाऊँगी क्योंकि मेरा दिमाग का जो जोन है डिफरेंट ही चला गया है. अब आई थी मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँगी अच्छी एनर्जी के साथ, पर पॉसिबल नहीं है. सो या दोस्तों आपके साथ मैं कैचअप करती हूँ जल्दी ही फ्यूचर में.
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड खुश रहें एंड हर दिन को इन्जॉय करें एंड नाव में जी लें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, क्योंकि वो हमारे हैंड्स में नहीं है, राइट? कि हर मोमेंट को इन्जॉय कर लें, वही अच्छा है हमारे लिए. आई लव यू गाइज सो वेरी मच. जल्दी मिलती हूँ आपको मैं.